بسم الله الرحمن الرحيم. एक बर्ड के ऊपर 10,000 रुपीज जो है वो हम सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं। नया कॉन्सेप्ट था फार्मिंग का और ये एक बड़ा अच्छा था कि नई एंटरप्रेन्योरशिप और डाइवर्सिफाई फार्मिंग लेके आए। जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन इस बर्ड के बारे में डीप होगी उतनी आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। फार्मर्स की सहूलत के लिए तजर्बाकार डॉक्टर्स हर 3 माह बाद फार्म के दौरे को यकीनी बनाएंगे। डॉक्टर्स को हर किस्म की अदायगी हुकूमत करेगी जबकि फार्मर्स को फी चूजा 10,000 रुपए सब्सिडी की मद में 3 अक्सात में दिए जाएंगे। मैं समझता हूँ जी कि पंजाब में खसूसी तौर पे ऑस्ट्रिच फार्मिंग का एक बहुत बड़ा स्कोप है और खसूसी तौर पे सी पैक के बनने के बाद और जो फॉरनर्स हमारे मुल्क में आ रहे हैं और तीसरी चीज़ जो रेड मीट की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है ऑस्ट्रिच फार्मिंग उस डिमांड को भी पूरा करेगा, हमें एक्सपोर्टेबल सरप्लस भी जनरेट करेगा और बहुत सी चीज़ें जो हमारे रूरल एरियाज़ में एक एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है उस चीज़ को भी सपोर्ट करेगा। इस पर अभी गवर्नमेंट ने पिछले साल ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और अल्लाह का शुक्र है कि हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। इसमें जानवर का जो वेट गेन है वो एक एक्सेलेंट स्टेज पे रहा है, FCR उसकी बहुत बेहतर रही है, लोगों में उसकी जो गोश्त के टेस्ट के मुतालिक क्वेरीज और क्वेश्चंस थे उसमें बहुत 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 पॉजिटिव चीजें आई हैं। शुतुरमुर्ग के गोश्त के साथ साथ इसकी बाई प्रोडक्ट फीड पर और चमड़े की प्रोसेसिंग करके बेहतर नर्ख पर फरोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है ताकि फार्म के मुनाफे में इजाफा किया जा सके। मुल्की और गैर मुल्की तलब को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत पंजाब 80 से 100 किलोग्राम वजन के जिंदा परिंदे को भाई साहब 575 से 620 रुपए फी किलोग्राम खरीदने की तजवीज रखती है। शुतुरमुर्ग की मखसूस खुराक के इस्तेमाल को यकीनी बनाने के लिए प्राइवेट सेक्टर के तआवुन से खुराक की तैयारी करवाई जा रही है 3 अक्सात में, तो उससे फार्मर की बहुत सारी जो उसमें लॉसेस हैं और उसके अंदर जो इंसेंटिवाइज करना है वो एक सक्सेसफुल रेशो से हुआ और अब हम इंशाल्लाह जो चूँकि अब हमारी क्रॉप जो है वो पहली प्रोडक्शन हमारी अगस्त के अंदर आ जाएगी तो हम कोशिश करेंगे कि लोगों को जो कंज्यूम करने वाले कंज्यूमर्स हैं उन तक इस गोश्त को फ्रेश मीट को हम पहुंचा भी सकें और उसका फ़ायदा भी है। उसके लिए भी हमने फार्मर्स को डायरेक्ट इन्वॉल्व किया है और हर जगह पे जब गोश्त सप्लाई किया जाएगा तो उस गोश्त को ख़रीदने वाला ये कंफर्म कर सकेगा वो ट्रेसेबल मीट खरीद रहा है और जिस जगह से ये जानवर जिस शख्स से जानवर फार्मर से जो आया होगा वो उससे डायरेक्ट इससे बात भी कर सकेगा।
चहकता, खेल कूद और अटखेलियां करता हुआ ये खूबसूरत परिंदा शुतुरमुर्ग है, जो असर हाजिर का सबसे बड़ा ऐसा परिंदा है जो उड़ने की सलाहियत नहीं रखता, लेकिन खतरा भांपते ही इसकी रफ्तार 70 किलोमीटर फी घंटा तक पहुंच जाती है। अपने भारी भरकम जिस्म के बाइस ये ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट तक ही दौड़ सकता है। चंद साल पहले तक शुतुरमुर्ग वाइल्ड लाइफ जानवर की फेहरिस्त में शामिल था, जिसके बाइस इसकी घरों या फार्म में अफजाइश पर पाबंदी थी। 2012 में वाइल्ड लाइफ जानवरों की फेहरिस्त से इखराज करके लाइव स्टॉक में शामिल कर दिया गया, जबकि 2016 में शुतुरमुर्ग को पोल्ट्री फार्मिंग का परिंदा करार दिए जाने के बाद शुतुरमुर्गबानी के फार्म में तेजी से इजाफा हो रहा है, जिससे किसान कम वक्त में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। देखें, ये एक नया कॉन्सेप्ट था फार्मिंग का, और ये एक बड़ा अच्छा था कि नई एंटरप्रेन्योरशिप और डाइवर्सिफाई फार्मिंग लेके आए, और इसकी जो मीट की क्वालिटीज़ हैं उसको ना सिर्फ पाकिस्तान मार्केट के लिए बल्कि एक्सपोर्ट के लिए भी हम लेके चलें। तो यूनिवर्सिटी ने लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया, और इसमें हम एक मॉडल फार्म बनाया हमने अपने रावी कैंपस पे, और मकसद हमारा जो है वो फार्मर्स की ट्रेनिंग है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग है, उनको सारे SOPs दिए कि फीड कैसे इसको बनानी है, उसके ब्रोशर्स बना के दिए, और एक नई टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए एक व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया हुआ है, जिस फार्मर को जो इंफॉर्मेशन फौरी चाहिए वो दे रहे हैं। महकमा लाइव स्टॉक पंजाब और युवास की जानिब से किसान भाइयों की सहूलत और उन्हें शुतुरमुर्गबानी के फार्म्स के लिए जरूरी इकदामात और हिदायत से आगाह करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई है, ताकि किसान इससे इस्तेफादा करके बेहतर मुनाफा कमा सकें। शुतुरमुर्ग का गोश्त गजाई लिहाज से इंतहाई फायदेमंद, जबकि इसकी खाल दुनिया की महंगी तरीन खालों में शामिल है, और इसके पर भी मार्केट में अच्छे रेट पर फरोख्त होते हैं, जबकि शुतुरमुर्ग से हासिल होने वाला तेल मुख्तलिफ बीमारियों में सूदमंद होता है। तो मकसद ये है कि ये फार्मर्स की रहनुमाई की जाए, जितने भी प्रोडक्शन के डिजीज़ के एस्पेक्ट्स हैं, और आगे हम इसको मार्केट के जो कंज्यूमर से लिंक अप करना, उसको भी थ्रू हमारा जो मीट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, ऑस्ट्रिच मीट को भी हम लेके आएंगे, हमारे अपना मीट का पूरा सेटअप है। तो मकसद ये है कि ये एंटरप्रेन्योरशिप आए, इसमें ये भी है जी कि फर्दर हम इस पे एक फार्मर्स को एक रीजनल लेवल पे एक बैक स्टॉपिंग के लिए प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स भी दे रहे हैं, ताकि वो फार्मर्स को मिल के उनके डे टू डे या जो भी कोई एमरजेंसी है, कोई इश्यूज हैं, उसको सर्विसेज उन्हें प्रोवाइड करें। फॉर्म के लिए खुली वसी और अरीज जगह होनी चाहिए, क्योंकि कम जगह इनकी बढ़ोतरी को मुतासिर करती है। फार्म के दो हिस्से होने चाहिए, एक कवर एरिया और दूसरा खुला एरिया। जब पंजाब गवर्नमेंट ने ये वाला प्रोजेक्ट शुरू किया तो इसमें जो इसके बड़े 5-6 कंपोनेंट थे, उसमें से एक बड़ा कंपोनेंट ये भी था कि एक ऐसा हम मॉडल ऑस्ट्रिच फार्म बनाए जहाँ पर फार्मर्स को ट्रेनिंग दी जाए। क्योंकि जब ये ऑस्ट्रिच फार्मिंग का कंसेप्ट यहाँ पर शुरू किया गया तो उसमें ये था कि ऑस्ट्रिच के बारे में लोगों को इलम नहीं था कि ये बर्ड को कैसे पालना है, इसकी फीडिंग कैसे है, ये किस माहौल में रहता है। बस इतना ही सुना था कि ये सहरा का परिंदा या डेजर्ट जो है इसको कहा जाता है। तो उस वाले से फिर हमने यहाँ पर अपना एक मॉडल फार्म जो है उसकी तश्कील की, और उसमें फिर बड़ी बातें जो ज़ाहिर है हमारे लिए भी नई थी और लोगों के लिए भी नई थी, तो हमने ये वाली जगह जो है सी ब्लॉक के अंदर बिल्कुल एक ऐसा उसको कुदरती माहौल दिया जिसके अंदर बर्ड जो है वो ये महसूस करे कि वो अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहा है।
शिकारी जानवर दोनों जगहों पर शुतुरमुर्ग के बच्चों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए जानवरों की देखभाल पर मामूर अफराद को चौकन्ना रहना चाहिए और फार्म की तैयारी के वक्त इससे बचाव के इकदाम लाजमी किए जाएं। शेड की तैयारी के दौरान इसके इर्द गिर्द बांसों की चार दीवारी के साथ जाली नुमा कपड़ा लगाएं ताकि परिंदे बाहर न देख सकें, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर डरने वाला जानवर है। दूसरे जानवरों को देखने से ये खौफजदा हो सकता है। खाने पीने के लिहाज से जो है वो इसकी बेहतरीन खुराक जो है वो इसका लूसर्न है और फीड है। आमतौर पर लूसर्न जो है वो 70% डाला जाता है और फीड जो है वो 30% उसको डाली जाती है। और असल जो मैं लोगों को या फार्मर्स को मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो ये बात है कि मैनेजमेंट असल चीज़ है। मैनेजमेंट जब मैं कहता हूँ तो उसका मतलब मेरा ये है कि आप फार्म के ऊपर 24 आवर आप ड्यूटी के ऊपर, अगर आप बिल्कुल इसको मुलाजमों के हाथ पर छोड़ दोगे तो हमने ऐसे ऐसे फार्मर भी देखे हैं जिन्होंने मुलाजमों के हाथ में छोड़ा तो उनकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा भी है। हमारे अंदर भी शुरू के अंदर ये वाला प्रॉब्लम आया था जब हमने इसको मुलाजमों के ऊपर छोड़ा था ये वाला, लेकिन जब हमारे डॉक्टर्स हमारे टीचर्स उन्होंने 24 आवर्स के ऊपर ड्यूटी दिया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मोर्टेलिटी और जितने हमने बर्ड लिए थे उतने के उतने हमारे पास बर्ड हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। और दूसरा मैं ये कंसेप्ट भी लोगों का क्लियर कर दूँ कि इसको चूँकि कहते हैं ये गर्म परिंदा है और ये गर्म सह सकता है, नो डाउट ये सह सकता है, लेकिन वो इसकी एज 1 साल बाद है। शुरू के महीने में जो भी अब लोग इसको लेंगे उनको मैं ये एडवाइस करूँगा कि इसकी गर्मी सर्दी का वैसे ही ख्याल रखना है जैसे हम आम चूज़े की करते हैं। और इसी तरह सर्दी के वाले से भी मैं ये कहूँगा कि ज़ाहिर है इसको रात के मौसम के टाइम रात के वक्त जब टेम्परेचर डाउन हो जाता है हमें इसकी ब्रूडिंग के वाले से इसको टेम्परेचर के वाले से वो वाली बात हमें इसको ज़रूर करनी चाहिए। और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो नहलाने में कोई हर्ज नहीं है, चाहे आप दिन में 3 दफ़ा नहलाएं दिन में 4 दफ़ा नहलाएं, क्योंकि नहलाने के बाद वो अपने आप को बड़ा खुश महसूस करेगा और वो अपने परों की मूवमेंट से आपको बताए कि बर्ड इज़ हैप्पी। तो ये तमाम बातें मैं इस हवाले से कर रहा हूँ कि ऑब्जर्वेशन इज़ ए ग्रेट टूल, कि जितनी आपकी ऑब्जर्वेशन इस बर्ड के बारे में डीप होगी उतनी आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी। माह दिसंबर और जनवरी के अलावा तमाम साल चूजे डाले जा सकते हैं, जबकि बेहतरीन वक्त सितंबर और नवंबर का महीना है। नए फार्मर हजरात 2 माह तक की उम्र के बच्चे लेकर पालने को तरजीह दें। अफ्रीकन ब्लैक नेक नस्ल के परिंदे पंजाब के मौसम के मुताबिक मौजूद तरीन है, बेहतर बढ़ोतरी, कम शरह अमवात, बेहतर FCR की वजह से काबिल तरजीह है। लाइफ स्टॉक के महकमे की कॉर्पोरेशन की वजह से मुश्किल मुझे कोई नहीं आई, लेकिन फ्यूचर में जो इनकी गाइडलाइन है वो मेरे लिए बहुत अहम रखती हैं। नसीम साजिद साहब के पर्सनल एफर्ट्स की वजह से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ। मैं नसीम साजिद साहब उस वक्त से मुतासर हूँ जब ये मुल्तान में थे, तो जो कहते हैं वो करते हैं, इस वजह से मैं इन आर्मी आया हूँ। ऑस्ट्रिच जो है उसे पालने के लिए जो इन्होंने मोटिवेशन दी उसको एक्सेप्ट किया और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस वक्त एक अच्छे अर्निंग की तरफ जा रहा हूँ। शुतुरमुर्ग में रानी खेत की वैक्सीन के अलावा दूसरी कोई वैक्सीन जरूरी नहीं। शुतुरमुर्ग के चूजे को पहली वैक्सीन 30वें हफ्ते, दूसरी 6ठे हफ्ते और फिर 30वें महीने रानी खेत वैक्सीन पीने के पानी में पिलाएं और हर 2 माह बाद दोबारा पिलाएं। अद्वियात के हवाले से भी ये हसास परिंदा पाया गया है, इसको किसी किस्म की अद्वियात की जरूरत नहीं। पेट के कीड़े मार अद्वियात सिर्फ फिकल टैक्स के बाद इस्तेमाल किए जाएं। गर्मी के मौसम में परिंदों को सुबह शाम नहलाएं। नीज 80% विटामिन सी 1 ग्राम 10 लीटर पानी में मुतवातिर इस्तेमाल कराएं। ताज़ा पानी की फराहमी यकीनी बनाएं। हर परिंदे को टैग नंबर लगाया जाए ताकि परिंदों की रिकॉर्ड साजी की जा सके। बीमारियों के जो मेजर कंपोनेंट है वह 2 हैं, इसमें नंबर 1 मैनेजमेंटल डिजीज़ हैं। मैनेजमेंटल डिजीज़ में 2 कंपोनेंट बड़े वाजे हैं जो कि इब्तदाई दिनों में शुरू के 90 दिनों में तकरीबन 30-40% अमवात की वजह बन सकते हैं। उनमें इनका लंगड़ापन है और इनके मैदे का चोक हो जाना है। जो लंगड़ापन है उसकी बुनियादी वजह ये है कि आप शुतुरमुर्ग के बच्चे को प्रॉपर जगह नहीं दे रहे, बर्तन प्रॉपर नहीं दे रहे, फीड के बर्तन पानी के बर्तन प्रॉपर नहीं दे रहे, फीड आप उसको कम दे रहे हैं या ज़्यादा दे रहे हैं। अगर ज़्यादा दें तो उसका वज़न ओवरवेट हो जाता है जिसकी वजह से उसकी टांगों में टेढ़ापन आ जाता है। अगर कम दें तो उसको विटामिन मिनरल की कमी आ जाती है जिसकी वजह से उनकी टांगें टेढ़ी हो जाती हैं। तो फीड का अगर साइज़ उसकी एज के मुताबिक नहीं है, अगर आपने फॉडर डाला है उसका साइज़ बड़ा है तो उसमें उसके मसाइल आ सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि हमेशा बैलेंस
फीड और जितनी कैलकुलेटेड फीड बनती है वो लंगड़ा पालना है। दूसरे नंबर पे इसके मैदे का चोक हो जाना, क्योंकि बड़ा सॉफ्ट बर्ड है, इब्तदाई दिनों में अगर आप इसको फीड नॉन फूड आइटम दें या वो खा जाए किसी वजह से, या आप फीड ना दें, उस वजह से इसको आदत है पिकिंग की, मुख्तलिफ़ चीज़ें खाने की, तो ये पत्थर का या कांच का कोई टुकड़ा खा जाएगा कोई, उसकी वजह से वो मैदे में जम जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली इसकी डेथ हो जाती है। आप फॉडर डालते हैं, फॉडर का साइज़ बड़ा हो जाए तो वो भी मैदे में एक चोक की वजह बनती है, जो इसकी ख़ास अमवात की वजह बनती है। दुनिया में इसकी बहुत सारी नस्लें मौजूद हैं, जिनको इनकी गर्दनों के रंग की वजह से पहचाना जाता है, जैसे सुर्ख गर्दन, नीली गर्दन, काली गर्दन और गुलाबी गर्दन वाले शुतुरमुर्ग हैं। नए फार्मर चूजे खरीदते वक्त दरामद कुनंदगान से इस बात को यकीनी बनाएं कि मंगवाया जाने वाला चूजा ब्लैक नेक ही है और उस मुल्क से दरामद किया गया है जिसका मौसम और आबोहवा पंजाब से मुताबिकत रखता है। शुतुरमुर्ग के चूजे 8 से 12 हफ्तों में अपने जिस्म का दर्जा हरारत पूरा करने के हामिल होते हैं। ब्रूडिंग के लिए इब्तदाई दिनों में खुसूसी हिफाजत और इंतजामात करना चाहिए। इस मरहले में शुतुरमुर्ग के चूजों को किसी मखसूस आले, हीटर, भट्टी, बल्ब वगैरह से हरारत दी जाती है। गर्मियों में 4 से 5 हफ्ते चूजों को फार्म के अंदर ही रखें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि इनको वर्जिश के लिए मुनासिब जगह दरकार होनी चाहिए। ब्रूडिंग के दौरान पानी शुतुरमुर्ग के चूजों के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। तजर्बा से साबित हुआ है कि छोटे चूजे बालिहाज जिस्मानी वजन बड़े शुतुरमुर्ग से ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं। चूजों को नमकियात की कमी से बचाने के लिए बर वक्त साफ और ठंडा पानी देना चाहिए। ना इन्हें चमक के उत्ते जांदा ना, वो पीला रंग भी हल्का है कीता ना, जिस तरह दा सी कीता है, वो फिर भी वो उन शक्ल नजर आनी चाहिए अपनी। जो पानी शक्ल अपनी नजर आती ना, उस तो बे छोटे चूजे नूं बर्तन असी हजे भी पेटी दे बनाए ने, वो पेटी दा जिहड़ा बर्तन उहदा चमक दिंदा, वो फिर जांदा है, फिर उहदे उत्ते जदों उहदी शक्ल नज़र आउंदी चमक वजदी है, वो ज़्यादा उहनूं पानी पीण दी कोशिश करदा। जिथे उहदा 2 घुट पीने, उहदे 4 घुट पी के वापस जांदा। पानी के तमाम बर्तन रोजाना साफ करें, जहाँ तक मुमकिन हो सके उनको रोजाना पिंकी से धोएं। इब्तदाई अय्याम में शुतुरमुर्ग के चूजे पानी को पहचानते नहीं हैं, लेकिन एक चपटी सतह वाले बर्तन में पानी की चमक की वजह से चूजे चोंच डालते हैं। छोटे चूजों को खुराक खाने की आदत डालने के लिए सब्ज चारे के छोटे छोटे टुकड़े पानी में डाल दें, ताकि चूजे पानी के साथ आसानी से खुराक खाने की आदत अपना सकें। चूजों की जरूरत के मुताबिक खुराक के बर्तन रखें। एक गोल ट्रे 5 से 8 चूजों के लिए इब्तदाई अय्याम में काफी है। शुरू के हफ्ते में एक दिन में खुराक के अलावा लोसन 4 मरतबा दें। खुराक हमेशा ग्रुप में दें, क्योंकि ये एक दूसरे को देखकर खुराक खाते हैं। अगर मुमकिन हो सके तो चंद हफ्ते बड़ी उम्र के चूजों को इनमें छोड़ दें, जो छोटे चूजों को खुराक खाने की तरबियत देते हैं। अगर शुतुरमुर्ग के चूजे ना मिलें तो ब्रॉयलर या लेयर साथ छोड़ दें। एक हफ्ते के बाद खुराक 7 से 8 मरतबा थोड़ी थोड़ी डालें और बर्तन को बार बार किसी चीज से टकराएं, ताकि वो बार बार खुराक खाएं और इनकी तवज्जो किसी दूसरी तरफ ना जाए कि वो दूसरी अशिया खाना शुरू कर दें। शुतुरमुर्ग के चूजों की ब्रूडिंग के दौरान खुराक की अहमियत बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये चंद दिन बहुत अहम है, इसलिए कि इन ही दिनों में अगर उसको प्रॉपर प्रोटीन और फाइबर मिलेगा और उसके पेट के अंदर जो जर्दी है वो बहुत ज़्यादा मकदार में होती है, यानी अब ये कह सकें उसको जो उसका टोटल वज़न है, तमाम वज़न उसका अगर 900 ग्राम है, उसमें से 300 ग्राम 400 ग्राम तक इसके जर्दी की मकदार या उसके वज़न हो सकता है, तो इसका जो जर्दी है वो तभी टूटती है या अब्जॉर्ब होती है, जज़ब तभी होती है जब इसको बैलेंस आप उसको खुराक देंगे। तो खुराक मुतवाजन तभी हो सकती है जब आप किसी प्रॉपर या तो खुद किसी कंपनी से उसकी खुराक आपने ख़रीदी हो, तो या खुद अदारे से आप मशवरा करके एक मुतवाजन खुराक बनाएं, और वही फिर बाद में जब इसकी जो जर्दी आहिस्ता आहिस्ता टूटेगी, जर्दी आहिस्ता आहिस्ता जज़ब होगी, उसका खुराक जिस्म का हिस्सा बनेगी, और ये सारा अमल जो है 14 दिन तक हो सकता है।
دنیا میں شترمرغ کے گوشت کی طلب دن بدن بڑھ رہی ہے۔ اس کو اس کی کم کیلوریز اور کم چکنائی کی وجہ سے پسند کیا جاتا ہے۔ شترمرغ کا گوشت دیسی آرگینک گوشت ہے جس کا ذائقہ اگر چھوٹی عمر میں ذبح کیا جائے تو بچھڑے کے گوشت جیسا ہے، اور اگر بڑی عمر 10 ماہ سے زیادہ کا ہو تو اس کا ذائقہ بیف کے گوشت جیسا ہے۔ یہ سرخ گوشت ہے لیکن اس میں کولیسٹرول سفید گوشت یعنی چکن اور مچھلی سے بھی کم ہے۔ گوشت کی پہلی افادیت تو یہ ہے کہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آسٹرچ کا گوشت عام گوشت سے مختلف ہے۔ یہ اپنی کیمیکل کمپوزیشن کے حساب سے یا اس کی جو انگریڈینٹس ہیں، کمپوزیشن ہیں، فیچرز ہیں، یہ ڈفرینٹ ہیں۔ ہم جتنے گوشت استعمال کرتے ہیں وہ سارے ایسیڈک میٹ ہوتے ہیں، اور شترمرغ کا گوشت جو ہے وہ الکلائن میٹ ہے۔ اسی طرح اونٹ کا گوشت جو ہے وہ بھی الکلائن میٹ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ فوری ہضم ہو جاتا ہے، اس کو گلانے کے لیے آپ کو پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اپنے پانی میں فٹافٹ گل جائے گا۔ اگر آپ پانی ڈال دیں گے تو بہت زیادہ ٹائم لے گا۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نے اس کو ہر قسم کے مریضوں کے لیے تجویز کیا ہے۔ شترمرغ کا گوشت قیمت کے لحاظ سے بکرے کے گوشت سے تھوڑا زیادہ ہے، مگر افادیت کے لحاظ سے بکرے کے گوشت سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ شوگر پہلے کہا جاتا تھا کہ بڑوں کی بیماری ہے، ٹائپ 2 ڈائبٹیز اولڈ ایج میں ہوتی ہے، اب ٹائپ 2 ڈائبٹیز بھی بچوں میں ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ ہے موٹاپا، اوبیسٹی۔ جہاں تک ڈائبٹیز اور شترمرغ کے گوشت کی بات ہے نا، ڈائبٹیز کے اندر ہم مریض کا کولیسٹرول خراب ہو جاتا ہے، کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے۔ ہم ہر مریض کو کہتے ہیں کہ کولیسٹرول کم کرنا ہے، آپ لوگ ریڈ میٹ کھانا بند کر دیں، اور اس کے علاوہ ہم کولیسٹرول کی ملٹیپل میڈیکیشنس دے رہے ہوتے ہیں۔ ریڈ میٹ کے اپنے فوائد ہیں لیکن کولیسٹرول کی وجہ سے ہمیں اسے بند کرنا پڑتا ہے۔ اب شترمرغ کا جو گوشت ہے، یہ ویسے تو مطلب شترمرغ ایک پرندہ ہے کہ پولٹری میں ہونا چاہیے، لیکن اس کے افادیت ریڈ میٹ کے جیسی ہے، کولیسٹرول لو کے ساتھ، یعنی کہ ڈبل ایڈوانٹیج ہے کہ آپ کو وائٹ میٹ اور ریڈ میٹ کے اچھے پوائنٹس مل رہے ہیں۔ اس کا پروٹین کانٹینٹ بہت ہائی ہوتا ہے جو کہ ویسے امیونٹی کے لیے اچھا ہے، اور دوسری چیز اس کا کولیسٹرول بہت لو ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پاس پیشنٹ کو جو کولیسٹرول کے پرابلمس ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں۔ تھرڈلی، اس میں میگنیشیم کا کانٹینٹ بہت اچھا ہے اور اس کا آئرن کانٹینٹ بہت اچھا ہے۔ شترمرغ کے گوشت کی کڑھائی بہت جلد صوبہ پنجاب کے تمام بڑے شہروں کے بڑے ریسٹورانٹ پر دستیاب ہوگی۔ شترمرغ کا گوشت ہلکی آگ کی بجائے تیز آگ پر جلد پکتا ہے، سکڑتا نہیں اور مزیدار بنتا ہے، جبکہ دوسرے ہر قسم کے گوشت کو ہلکی آگ پر پکایا جاتا ہے۔ پاکستان میں ہمارے پاس اکثر آپ نے دیکھا کہ پہلے بچوں کے قد لمبے لمبے ہوتے تھے، اب کہتے ہیں جی آج کل قد چھوٹے ہو رہے ہیں، اتنی برین کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی۔ اس کے اسٹنٹنگ گروتھ کے حوالے سے جہاں بات کی جائے نا، تو آئرن کانٹینٹ بچوں کا کم ہوتا ہے۔ آج کل اکثر اس بات پہ زور دیا جاتا ہے کہ آئرن کی ہر چیز میں ایڈ کرتے ہیں، ملکس کے اندر، آرٹیفیشیل سیریلس کے اندر۔ تو یہ جو ہمارے پاس ابھی میں نے پہلے بھی جیسے بات کی کہ جو شترمرغ کا گوشت ہے، اس کا پروٹین کانٹینٹ کے ساتھ آئرن کانٹینٹ بہت اچھا ہوتا ہے۔ لائک اگر وائٹ میٹ کی بات کریں تو اس میں آئرن نہیں ہے، پروٹین ہے، اور ریڈ میٹ جو ہمارے پاس بیف کے کریکٹرسٹک ہے کہ بیف کے اندر آئرن بہت زیادہ ہے، تو اس طرح سے اس کے شترمرغ کے گوشت کے اندر بھی آئرن بہت زیادہ ہے، اور یہ بچوں کی جو گروتھ ہے، ان کی برین کی ڈیولپمنٹ، ان کی ہائٹ، ان کی امیونٹی، اس سب کے لیے بہت اچھا ہے۔ شترمرغ کا 90% گوشت چربی سے پاک ہوتا ہے، اس میں پروٹین کی مقدار زیادہ ہے، اور پکانے کے دوران گوشت سکڑتا نہیں ہے۔ اس جانور کا جو انٹروڈکشن ہے اس علاقے میں، اور اس کے گوشت کی جو کوالٹی ہے اور جو کنزمپشن ہے، اور خصوصی طور پہ اس کے گوشت کے اندر جو آئرن کی ڈیفیشنسی جو ہمارے سب سے زیادہ ہمیں افیکٹ کر رہی ہے ہمارے بچوں کو سٹنٹڈ گروتھ کی وجہ سے، اس میں ہمیں بہت فائدہ ہوگا، اور بجائے میڈیسنز لینے کے ہم اس چیز کو کور کر سکیں۔ اس کے اندر ایسی خصوصیات اللہ تعالی نے رکھی ہیں کہ یہ اینٹی کینسر پروموٹنگ سیلز، اس کے اندر اللہ تعالی نے ایسی خصوصیات رکھی ہیں کہ بہت ساری ایسی بیماریاں جو گزشتہ 50-60 سالوں میں ہمارے یہاں تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہیں، اس گوشت کے استعمال سے، اونٹ کے گوشت کے استعمال سے وہ چیزیں منیمم ہو سکتی ہیں، بلڈ پریشر، شوگر، یا ہیپاٹائٹس۔ اسپیشلی ہیپاٹائٹس کے مریضوں کے لیے سمجھ لیں کہ آسٹرچ کا گوشت، آسٹرچ کا انڈا، اس کی سفیدی، یہ اس کو آپ سمجھ لیں کہ دوائی کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبیاں رکھی ہیں اور اتنی اس کی تاثیر رکھی ہے کہ یہ چیزیں اس سے کور ہو سکتی ہیں۔ آپ 2-4 کلو اگر اس کا گوشت کھا جائیں تو آپ کو کولڈ ڈرنک پینے کی ضرورت نہیں، اتنا لائٹ ہے، ایزیلی ہضم ہو جاتا ہے۔ البتہ کیونکہ یہ بہت طاقت والا گوشت ہے، اس میں انرجی کافی ہوتی ہے، منرل، آئرن بہت ہوتی ہے، تو اس سے کچھ لوگ کہتے ہیں یہ گرم گوشت ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ صرف اس کی جو چیز بھی انرجی والی ہوگی وہ آپ کو فیلنگ اس طرح کی آئے گی۔ یہ بہت سارے لوگ ہم سے ایسے لے کے جاتے ہیں جن کو کچھ جوڑوں کا درد ہوتا ہے یا کمر کا درد ہوتا ہے، وہ بھی اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں بہت اس کا افاقہ ہو رہا ہے۔ اب یہ چیزیں جیسے جیسے یہاں استعمال ہوں گی،
लोग उसको उसकी फीडबैक हमें देंगे कि इससे क्या क्या फ़ायदे हैं। लेकिन ये इसको मोस्ट हेल्दी मीट आप कह सकते हैं, जितने मीट अवेलेबल हैं, और प्राइस के हिसाब से भी देखा जाए तो ये मटन से थोड़ा सा ऊपर है। शुतुरमुर्ग की खाल दुनिया की दूसरी महंगी खाल समझी जाती है। इससे गोश्त के अलावा 45% मुनाफा कमाया जा सकता है, जबकि परों से मजीद 5% कमाई हो सकती है। इसी तरह शुतुरमुर्ग की चर्बी से ऑयल निकाला जाता है, जो कि दुनिया में महंगा तरीन ऑयल है। इसको जोड़ों के दर्द के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ किस्म की जल्दी बीमारियों के इलाज में भी ये इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जब हम प्रॉफिट की तरफ आते हैं तो इसके बाय प्रोडक्ट्स भी सेल हो जाते हैं। पहले कुछ सालों में इसका ये होता था कि लोग सिर्फ इसको फीडर्स के लिए लेते थे, इसकी ग्रो करते थे, गोश्त किसी काम नहीं आता था। अब इसका मीट भी यूज़ हो रहा है, ये एक एक्स्ट्रा एफर्ट है। तो इसका मीट भी इस्तेमाल हो जाता है, फीडर्स भी इस्तेमाल हो जाते हैं, खाल भी होती है, बाय प्रोडक्ट। गो अभी पाकिस्तान में इतनी डेवलप्ड नहीं है, मगर जैसा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इस पर फोकस किया हुआ है, तो इंशाल्लाह ये 2 से 3 साल में आप इसके रिजल्ट सामने होंगे।